देखिए, किसी के झूठ को पकड़ पाना बहुत आसान नहीं होता है, लेकिन अगर आप सामने वाले की बॉडी लैंग्वेज की तरफ गौर करेंगे और अगर आपको बॉडी लैंग्वेज को पढ़ना आता है तो फिर आप आसानी से सामने वाले का झूठ पकड़ सकते हैं, क्योंकि बहुत कुछ उसकी बॉडी लैंग्वेज से ही जो है आपको पता चल जाता है। जो एक व्यक्ति झूठ बोलता है वो कहीं ना कहीं जो है अपना सर खुजलाने लगेगा, अपने बाल सहलाने लगेगा, थोड़ी सी भौहें जो है वो सिकोड़ने लगेगा, उसके जो चेहरे का रंग है वो उड़ जाता है, हाथों के उंगलियां जो होती हैं उन्हें आपस में मसलने लगता है, नाखूनों को जो है आपस में घिसने लगता है, नर्वसनेस टाइप की थोड़ा सा उसे फील होती है जब आप उसके चेहरे देखेंगे, तो उसका आत्मविश्वास जो होता है वो एकदम डगमगाया सा होता है। लेकिन काफ़ी सारे लोग ऐसे शातिर होते हैं, जितनी भी चीज़ें मैंने बताई हैं उन सारी चीज़ों को प्रिपेयर कर लेते हैं, यानी कि ना तो उनकी बॉडी लैंग्वेज से भी आपको जो ये नहीं पता चल पाता है कि ये झूठ बोल रहा है व्यक्ति या नहीं झूठ बोल रहा है। ऐसे व्यक्तियों के लिए जो सबसे अच्छा उपाय है वो ये है कि आप क्रॉस क्वेश्चनिंग कीजिए, यानी कि जिस विषय पर आप उससे बात कर रहे हैं उस विषय की अच्छी जानकारी करके जो है आप उससे जो है क्रॉस क्वेश्चनिंग करना शुरू कीजिए। आप ऐसे सवाल पूछिए कि जिससे कहीं ना कहीं जो है वो व्यक्ति या तो झुल्ला जाए या तो फिर जो ऑटोमेटिकली जो है वो झुल्लाहट में सवाल का उत्तर दे दे। एक बात आप समझ लीजिए कि जो भी व्यक्ति सच बोल रहा होगा उसका बिहेवियर जो है ना वो हमेशा सही रहेगा, आसानी से वो सरलता से बोलेगा, प्रेम भाव से बोलेगा। लेकिन जो एक झूठ बोलने वाला व्यक्ति है ना वो कहीं ना कहीं आपके सामने से जल्दी से हटना चाहेगा और यही कोशिश करेगा कि आपसे जो बातचीत है वो बंद हो जाए, जल्दी से जल्दी आप उसके सामने से हट जाएं या वो आपके सामने से हट जाए। और नहीं तो फिर जो है जब आप सवाल उससे पूछते हैं तो फिर वो गुस्साने लगता है। तो झूठ पकड़ने का एक सबसे अच्छा तरीका ये कि उसे गुस्सा बहुत जल्दी आ जाएगा अगर वो झूठ बोल रहा होगा, क्योंकि उसे ये चीज़ बिल्कुल भी पसंद नहीं आएगी कि आप उससे अब और सवाल पूछें जिससे कि उसका झूठ पकड़ जाए। इस वजह से वो आपके ऊपर भड़क जाएगा, गुस्सा करने लगेगा। तो ये झूठ करने का जो सबसे अच्छा तरीका है वो यही है। अब बाकी तो ऐसे बहुत सारी ट्रिक्स हैं जिनके माध्यम से आप झूठ पकड़ सकते हैं, वो डिपेंड करता है अलग अलग सिचुएशंस पर कि सिचुएशन किस प्रकार की है, विषय किस प्रकार का है, उसी हिसाब से जो माइंड है वो क्रिएट करना पड़ता है, अपने आप में सोचना समझना पड़ता है कि इस व्यक्ति का जो हम झूठ कैसे पकड़ सकते हैं। और जो इससे अच्छा तरीका वो है ये है कि आप सामने वाले के व्यक्ति के विषय में जो है थोड़ा सा नॉलेज कर लें, थोड़ा सा ज्ञान प्राप्त कर लें कि वो किस बैकग्राउंड का है, किस तरीके का है, उसकी आदतें किस प्रकार की हैं। अगर वो सारी चीज़ें आपको पता हैं तो फिर आप समझ सकते हैं कि वो व्यक्ति जो है कितना झूठ बोल सकता है या कितना जो है सच बोल सकता है। जैसे कि होता नहीं कि क्लास में काफ़ी बार टीचर कहते हैं कि हाँ बेटा मैं जानता हूँ कि तुम कितने पढ़े लिखे हो या कितना तुम्हें आता है, भले ही व्यक्ति जो है कॉपी में कितना हो कि कुछ लिख कर आ जाए, लेकिन अगर एक व्यक्ति कॉपी में कुछ अच्छा नहीं लिख के आ पाता टीचर तो भी उसे नंबर देता है, क्योंकि उसे पता है कि क्लास में उस बच्चे का जो परफॉर्मेंस है वो अच्छा है, भले आज वो कॉपी में नहीं लिख पाए उतना अच्छा, लेकिन क्लास में उसका जो परफॉर्मेंस है बहुत अच्छा है, तो इस वजह से भी काफ़ी बार जो है टीचर उसको नंबर दे देते हैं। तो यही सारी चीज़ें हैं कि एज सिचुएशन ये आप समझ सकते हैं कि सामने वाला झूठ बोल रहा है या सच बोल रहा है, तो ये सारी ट्रिक्स अपनाकर आप जान सकते हैं। बाकी कोई ऐसी मशीन नहीं है कि आपके झूठ को पकड़ सके, या ऐसा कोई तरीका और नहीं है कि आप एकदम किसी का झूठ पकड़ सकें। अगर व्यक्ति अपने पे आ जाए तो फिर आप उसका झूठ संभव है कि ना भी पकड़ पाएँ, क्योंकि ज़रूरी नहीं कि आप उसका झूठ पकड़ ही लेंगे। हाँ, लेकिन इतना ज़रूर है कि जो झूठ होता है वो हमेशा जो है कभी भी जो है छिपता नहीं है, वो कभी ना कभी किसी न किसी रूप में जो है निकल कर सामने आ ही जाता है। धन्यवाद।